योग हमारे जीवन का मूल आधार है। योग करने से मन और आत्मा एक होती है और परमात्मा से मिलान होता है। योग करने से मानव से महामानव बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह 4:30 से 5 बजे उठ के और 1 से 1.5 घंटे योग करना चाहिए। योग से पढ़ाई और जो भी कार्य होते हैं वो सब अच्छे और शुद्ध होते हैं, नकारात्मक विचार चले जाते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं। आप सभी दर्शकों को प्रणाम। आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन विधा है। योग एक विज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र देके योग सूत्र में बताया है। इसका पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अब हम ऐसा शासन, हम योग की शुरुआत करते हैं। महर्षि पतंजलि के दूसरे सूत्र में बताया योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। शरीर को मोड़ना और तोड़ना, शरीर की स्ट्रेचिंग करना योग नहीं है। अपितु महर्षि पतंजलि ने और अनेकों ऋषियों ने बताया योग है समाधि, योग समाधि है। ऐसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है। इसमें पहले हम जो चर्चा करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मैं युवाओं से और देशवासियों से यही आग्रह करता हूँ कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आज के इस आधुनिक तारतम्य में हम योग को अपना तो रहे हैं, लेकिन योग के तीसरे अंग को अपना रहे हैं, वो भी निरोग के हेतु। आसनों को बहुत बहुयातायात में प्रचलित और प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन हम यम और नियम हमसे पीछे छूटते जा रहे हैं। यम हमारे सामाजिक जीवन को, चरित्रवान सामाजिक जीवन को ऊंचाइयों को लेके जाता है, और जो नियम है हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है। तो हमारा सामाजिक जीवन जब श्रेष्ठ होगा और व्यक्तित्व जीवन जब श्रेष्ठ होगा, तभी हम उस मन के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचने का रास्ता सरल बन जाता है। इसलिए हमें अष्टांग योग के मार्ग पे चलना चाहिए। यही मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमें सिखाया गया मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमारा वेद कहता है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं धर्म संस्कृति राष्ट्र है। और एक पंक्ति भी आती है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलम आरोग्यम। बिना आरोग्य के ये चारों जो पुरुषार्थ हैं वो निष्फल है। व्यक्ति यदि आरोग्य रहेगा, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के इन चारों आश्रमों में अपने अच्छे से गुजार सकता है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में प्रतिदिन इस योग को अपनाएं और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। आप सभी का हम चलें योग के रास्ते, वेद के रास्ते, हंसते हंसते। आप सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। योग की शुरुआत बहुत समय पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी, और योग करने से हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। योग से अनेक नियमित योग अभ्यास करने से अनेक बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, और निरंतर योगाभ्यास करने से शरीर स्फूर्ति, लचीला और ऊर्जावान बना रहता है।
कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना और ओम का उच्चारण, तो तीन बार गहरा लंबा श्वास लेके ओम का उच्चारण कर रहा हूं। प्रार्थना ओम का उच्चारण हुआ। इससे पहले शरीर को तैयार करने के लिए योगिंग जोगिंग की 12 क्रियाएं हैं, हल्की हल्की थोड़ा करके बता रहा हूं। ऐसे शरीर को तैयार करने के लिए 12 क्रियाएं होंगी, वो करें और उसके बाद में फिर योग प्राणायाम ध्यान ये करें। ये है ताड़ासन। ताड़ वृक्ष, इससे बच्चों की हाइट में फायदा मिलता है। अगला है वृक्षासन, इसमें शरीर को एक जगह रोका जाता है और इससे एकाग्रचित्ता बढ़ती है। ये त्रिकोणासन, इससे साइडों में जो बढ़ी हुई एक्सेस फैट है वो खिंचाव के द्वारा दूर हो जाता है। और अर्धचक्रासन, ये कमर में और पेट में खिंचाव करके और चर्बी को कम करता है। ये योग चिकित्सकीय विज्ञान है। अगला बैठ के ये वज्रासन, खाने के बाद आदमी को इसमें 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए। खाना अपने आप हजम हो जाता है, 3-4-5 किलोमीटर की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है और पहले शाम को इसी स्थिति में खा के और बैठना चाहिए। ये अगला वक्रासन, इससे भुजाओं और कमर के ऊपर जो मोटापा चर्बी जो होती है इसमें बहुत लाभ देता है और एसिडिटी उसमें भी पूर्ण आराम देता है। अगला है उत्तान मंडूकासन, ये जैसे मेंढक टकटकी लगाए बैठा रहता है ऐसे इस स्थिति में बैठना चाहिए, जो कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। पेट के बल, ये भुजंगासन जो पेट आगे की तरफ ज्यादा मोटा उसके लिए, ये हर व्यक्ति को, मोटे वालों को कम से कम 100 से 200 बार भुजंगासन करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। और खान पान में भी बदलाव रहना चाहिए, फास्ट फूड नहीं लें और शाम के टाइम हल्का और जैसी मौसम की उनकी आवश्यकता हो उस हिसाब से, और उनको वो लेनी चाहिए सलाद। मेंढकासन, धनुरासन, मेंढकासन बोलते हैं, इस स्थिति में यह भी पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला पीठ के बल लेटने वाले जो आसन हैं उनमें सेतु बंधासन, शरीर का पुलिया, ऐसे ये भी कमर के लिए और मोटापे के लिए दोनों में लाभदायक है, कमर को लचीला बनाता है। अगला सर्वांगासन, ये भी माइंड और पूरे शरीर के लिए लाभदायक।
शरीर को लचीला बनाता है और कमर और पेट के लिए विशेष लाभदायक है। उत्तान पादासन ये नाभि के लिए शरीर को 30 डिग्री जमीन से उठाना चाहिए, बहुत लाभदायक है नाभि के लिए। अगला साइकिल आसन, जो अपन साइकिल चलाते भी हैं और इसका अगला रूप ऐसे करना चाहिए। अंत में शीर्षासन, जो हर बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, करना चाहिए शीर्षासन, जो याद करेंगे वो उनको याद रहेगा। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। प्रथम आसन प्रणाम आसन, देखिए घुटने की कटोरियां टाइट रहेंगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और जो वन लाइन रहेगा अपना जो है हाथ, ठीक है, ये प्रणाम आसन। दूसरा उत्तानहस्तासन, श्वास करके पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते भी आगे की ओर आएंगे, पादहस्तासन। इसके बाद अश्व संचालन, अष्टांग प्रणाम आसन। इसके पास भुजंगासन, पर्वतासन, श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए पाद अश्व संचालन, इनहेल एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन, इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे और यथाशक्ति रुकते हुए प्रणामासन। ये सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं और युवाओं के लिए विशेषकर 5 आसन जो नित्य करना चाहिए। पहला आसन शीर्षासन, सभी आसनों का राजा जिसे कहते हैं शीर्षासन, वो 5 आसन किस प्रकार है देखिए। आप किसी भी दीवार के सपोर्ट के सहारे कर सकते हैं या किसी व्यक्ति से सहायता करके भी हम इस आसन को कर सकते हैं और नित्य अभ्यास करने से हमें शारीरिक शक्ति तो प्रदान होती है और इसमें हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे शुरुआत में इसका अभ्यास हमें 2 मिनट से लेकर 30-30 मिनट तक कर सकते हैं। आप 2 मिनट से स्टार्ट करें, प्रत्येक दिन करें, अपने जीवन में शीर्षासन को अपनाएं। इससे अगला अभ्यास दोनों पैर सामने की ओर करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारे जो पेट की चर्बी बढ़ी हुई है उसको कम करने में बहुत सहायक है। हमारे जो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इन सभी अंगों को वहाँ ब्लड सर्कुलेट करता है, वहाँ तक प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। इसलिए हमें इस आसन को प्रत्येक दिन करना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी को जीने में बहुत और आसान कर देता है। इसके पश्चात मंडूकासन, श्वास छोड़ते हुए दोनों मुष्टि का बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ टिकाएंगे और आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को याद करते हुए उन्हें श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से हमें मंडूक आसन के 2 से 3 बार अभ्यास करना चाहिए। पहला आसन हमारा हुआ शीर्षासन, दूसरा हमारा हुआ पश्चिमोत्तानासन, तीसरा हमारा मंडूक आसन और जो चौथा आसन है हमारा कमर के बल लेटकर पश्चिमोत्तानासन और लास्ट हमारा रहेगा पूर्ण हलासन और लास्ट हमारा रहेगा चक्रासन। गहरी लंबी श्वास लीजिए
और पीछे भी हो जाए। दोनों हथेलियां जमीन पे टिकी रहेगी, आप चाहे तो ग्रीफिंग भी बना सकते हैं। ये हमारी लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है, पेट को कम करने में भी सहायक। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, ध्यान रहे, इस आसन से हम वापस नीचे की ओर आते समय हमारी गर्दन ना उठे और पैर सीधे रहे और धीरे धीरे आए। अगला अभ्यास युवाओं के लिए जो हमारे मेरुदंड को बहुत मजबूत बनाता है, चक्रासन। हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होती है, उसको रक्त संचालन उसको प्रॉपर वे में काम करवाने के लिए हमें चक्रासन करनी चाहिए। इसी से दोनों पैर को फोल्ड करते हुए नितंब के लगाइए और दोनों हथेलियों को पीछे की ओर लेके जाए और श्वास भरते हुए धीरे से फूलेंगे। पाई कवर लेके उठ जाएंगे। इस प्रकार हमारे पांच आसन और सूर्य नमस्कार और भस्त्रिका प्राणायाम अगर एक युवा प्रतिदिन करता है तो मेरा ऐसा मानना है और ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि वह शारीरिक रूप से ही फिट नहीं रहेगा बल्कि मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, वो प्रत्येक सेक्टर में अपनी अपनी ऊंचाइयों को एक नया आयाम दे सकता है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन हमारे द्वारा ये युवाओं के योगाभ्यास जो बताया गया है आप प्रत्येक दिन करें। डायबिटीज के लिए मंडुकासन, जो मधुमेह से पीड़ित लोग हैं मधुमेह रोग के लिए मंडुकासन करना चाहिए। जो नाभि है ये मुद्रा लगा के नाभि से नीचे लगा के सांस अंदर भरते हुए सांस रोक के रखना है नीचे झुकते समय। ऊपर आते समय सांस छोड़नी है कम से कम 3 बार करें। एक ये आसन है वज्रासन, ज़्यादातर एसिडिटी कब्ज इन बीमारियों में खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है वज्रासन। 1 मिनट बैठने के बराबर, 1 किलोमीटर चलने के बराबर 1 मिनट बैठना बराबर होता है। दोनों पैर आगे से घुटने मिले हुए रहेंगे, ये पोजीशन रहेगी। खाना खाने के बाद 5 मिनट इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनको नियमित अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। दाहिने नाक से सांस धीरे धीरे सांस लेना है। सांस को रोक के रखना है, उसके बाद बाएं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़नी है। दस से 15 मिनट सुबह शाम इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर पे
ग्रसित करती है उनको बहुत लाभ है। सम्मानीय बानसुरवासियों, अंतर्राष्ट्रीय जो नौवां योग दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए हम आपको शुभ संदेश देना चाह रहे हैं, जो आपके सामने श्री राजेश जी योग प्रशिक्षक, श्री तेजपाल जी और हम राजकुमार जी आपके सामने बोल ही रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में योग को अपनाना चाहिए। जैसे हमें सुबह और शाम खाना खाते हैं उस हिसाब से योग की भी अपने को भूख लगनी चाहिए, और योग जीवन को पूरी तरह बदल देता है। और इसके साथ ही हम आपको एक योग गीत गा करके बता रहे हैं कि योग से कैसे बदलाव होता है। बोलिए। तन मन जीवन चलो सहारे, योग मार्ग अपनाओ, वैर भाव को त्याग, सभी हमें गीत मिलन के गाएं। आनंद में हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, वो तुम्हारे हो मुक्ति सभी जने, दिव्य प्रेम सरसाए। यम और नियम हारे संभल, सुखमे जगत बने, आसन प्रणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, ऊर्जावान बने सब साधक, फल से सभी मिटाए, विष्णु एक परिवार, योग कर स्वर्ग दरा पर लाए। ओ